अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था उनको, ऑटम 16 जी, ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सवाल किया होगा। अच्छा, जिन्होंने भी सवाल किया होगा, और पहले सवाल आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन बाद में देखना चाहिए। तो इस सवाल में भी ना, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाया होता, आज तक वो जिद पे अड़े होते हैं कि नहीं नहीं बस ठीक है स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, तो वो उसमें क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ। अच्छा, इसी का मिलता जुलता वर्जन आज का होमवर्क है, इसी सवाल का भी मैं करता हूँ डिस्कस, आपको मसले हो सकते हैं, इसी सवाल का थोड़ा सा मिलता जुलता वर्जन वो आज का होमवर्क है। उसका सोल्यूशन मैं आपको अपने फॉर्मेट पे दे देता हूँ, आईकैप का, ठीक है, बिल्कुल, बस फॉर्मेट अपने पे दे देता हूँ। आज का होमवर्क है इसी सवाल का एक वर्जन, ऑटम 21, ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 3, ये इसी सवाल का ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगता है कि इसी को देख के बनाया था। जी, आज का होमवर्क, क्योंकि मैंने आपको मिक्स और यील्ड एक टेबल के जरिए सिखाया है, तो इसलिए फिर अपने फॉर्मेट पे सोल्यूशन बना के दिया है। आंसर वही आएगा वाले, बस मैंने एक टेबल आपको सिखाया है तो उस पैटर्न पे बना दिया है। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 3, अभी आवाम इकट्ठी होती है तो सोल्यूशन मार देता हूं आपको। चलिए, ये सवाल होमवर्क था ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो बच्चे स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बना रहे होते कि बस ठीक है बना तो हुआ है, वो उसमें गलती क्या करेंगे, वो गलती ये करेंगे कि मटीरियल का वेरियंस निकालते हुए एस सी वो 160 और 210 रुपए ले जाएंगे। ये 210 एस सी नहीं है, ये 200 रुपए एस आर नहीं है, ये है। एक सौ साठ, 210, 200, 180 वो ये दिया हुआ है, क्योंकि आपको ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट लिखी हुई है। तो ये जो 2 किलो के सामने 210 रुपए लिखा है, ये 210 रुपए किलो नहीं है, ये 210 रुपए है। आप इस 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलो का रेट निकलेगा। इसी तरह ये 200 रुपए पर आर नहीं है, ये 200 ये है, 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये पर आर रेट निकलेगा। एक ये पॉइंट था इसके अंदर। तो इसलिए स्टैंडर्ड कार्ड बेटा जरूर बनाया करिए, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो होती है। अगर ये ना भी लिखा होता तो ओवरहेड्स टोटल आ रहे हैं, तो उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों हैं, हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है, ये टोटल 180 से पर आर निकला, फिक्स्ड के लिए डेटा है, फिक्स्ड के बारे में कहा हुआ है के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड एट दिस, ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए, और इसको हमने बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड करना है। अच्छा, बजटेड लेबर आवर्स किधर है, ये क्या है 15,000। मुझे ना वो ऑनलाइन के बच्चों के भी सवालों में ये फील हो रहा होता है कि बेटा आप ना अभी तक इस चीज को नहीं फर्क कर पा रहे हैं कि कब हम यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, कब हम आवर्स से डिवाइड कर रहे हैं। इसका ध्यान रखा कीजिए, ये जो सब ये वाला कॉलम है, ये क्या है, रुपीस पर यूनिट है, ये रुपीस पर आर है। तो मैंने जब ये 45 रुपए निकालना है तो क्या निकालना है, मैंने रुपीस पर आर, तो ये रुपीस पर आर निकालना है। कैसे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आर, और बीएच कैसे निकालते होते हैं, इस 0.8 को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके, ये बजटेड प्रोडक्शन है। तो इससे निकले बजटेड आर्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बीएच, तो ये फिक्स्ड ओएआर बन गया। अब क्या करूं,
ये कैसे बना था, ये 225, 180 को 0.8 से डिवाइड किया था, इसमें से इतना फिक्स है तो बाकी वेरिएबल है। ये पहले भी हम कुछ सवालों में तोड़ चुके हुए हैं, ये स्टैंडर्ड कार्ड है। एक बार ढंग से स्टैंडर्ड कार्ड बना लेना, फिर वेरिएंस में उतनी मुश्किल नहीं होती। स्टैंडर्ड कार्ड जिन्होंने किया है सवाल, स्टैंडर्ड कार्ड में बताइए कुछ पूछना है तो जी। वन एटी मैंने तो नहीं कहा टोटल रेट है, ये 180 और है, ये 180 इत्तेफाक से 180 है, ये 180 है टोटल FOH पर यूनिट, पर यूनिट ये 180 है, ये इत्तेफाक से 180 आ रहा है, ये 180 है वेरिएबल फिक्स मिला के। ये इसको मैंने जब मिला रेट बनाया बोल है ना, ये 180 है, मैंने जब इस 180 को ऐसे किया तो ये बन गया 225। अब उस 225 को दो में तोड़ा है, वो इत्तेफाक से फिर 180 आ गया। जो सवाल में 180 दिया हुआ है वो ये वाला 180। स्टैंडर्ड कार्ड में बताइए जो पूछना है, जिन्होंने भी किया है वेरियंस खत्म हो गया है, इसको अल्लाह अल्लाह करके खैर ऑफिस उसको आप खैर बात कहें तो अच्छी मेहनत के साथ। अच्छा वो पिछली क्लास FR1 में मैं बोल पड़ा था जज्बात में, ये ऑनलाइन में भी कुछ बच्चों के मैसेजेस से और फिजिकल के भी बच्चे मिलकर पूछते हैं सर कॉस्ट बड़ी मुश्किल होती जा रही है, तो मैंने कब कहा आपको जिंदगी में कि कॉस्ट बड़ा आसान सब्जेक्ट है, कब आपको इस तरह की कुछ लालच दी हो, कब आपको किस तरह की बात की हो कि मसला ही कोई नहीं कॉस्ट। मैं तो हर दफ़ा कॉस्ट को मुश्किल कहता हूँ। क्लासेस ले लेना, टीचर का सारा कुछ पढ़ा देना, समझा देना, नोट्स बनवा देना, मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए, मैंने आपको नोट्स बनवाता हूँ, सारी नसीहतें लिखवाता हूँ, समझाता हूँ, क्लास में बोर्ड पर सवाल करता हूँ, होमवर्क डिस्कस करता हूँ, इस सब के बाद सारा कुछ आसान नहीं हो जाएगा, मुश्किल तो मुश्किल रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि क्लासेस पढ़ने से सब आपको बगैर सोचे समझे सब कॉस्ट आ जानी चाहिए, तो ये नहीं, ऑपरेशन थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपका। तो आपको मुश्किल सब्जेक्ट तो बेटे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अब वो बार बार रिवाइज आप इसी अटेम्प्ट में कर लें या अटेम्प्ट दे दे के रिवाइज कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक मुश्किल चीज तो मुश्किल ही है। मैं सिर्फ आपको समझाने में, प्रैक्टिस कराने में बस ये मदद कर सकता हूं, तो मेहनत तो यार आपको ही करनी पड़ेगी। फिर खासतौर पर जब ग्रुप में ऐसी बात होती है ना ऑनलाइन, तो उससे क्या होता है, एक बच्चा ग्रुप में मैसेज कर देता है तो बड़ा मुश्किल है, तो जो बेचारा मेहनत कर भी रहा था वो वहीं छोड़ देता है कि ये तो यार किसी से भी नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं होगा, तो मायूसी फैलनी शुरू हो जाती। तो ठीक है, मुश्किल है, करते रहिए कोशिश। स्टैंडर्ड कार्ड में कोई सवाल? फिर इसके अलावा इसमें ये वेरियस नाम लेके पूछे हुए थे, मिक्स यील्ड और प्राइस। तो चूंकि दो मटेरियल हैं तो ये दोनों की प्राइस निकाल ली। इसमें हम लोगों को ये वेरिएंसेस निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो इसमें एक और पॉइंट ये था कि आपको एक्चुअल प्रोडक्शन बताने की बजाय सेल्स बताई हुई थी, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताए हुए थे, ताकि आपको एक्चुअल प्रोडक्शन निकालनी पड़े। ये एक्चुअल प्रोडक्शन निकाली हुई क्योंकि हमें वेरिएंसेस के लिए चाहिए होती है एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं तो सेल्स थी, तो फिर ऊपर 15,000 क्या थी, वो बजटेड प्रोडक्शन थी। हमें कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होती है तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन निकाली हुई है। प्राइस वेरिएंस के लिए देखना पड़ता है कि केस वन है कि केस टू है, तो केस वन है कि केस टू है, मटेरियल वेरिएंसेस के लिए केस वन के केस टू, केस टू क्योंकि परचेजेस और इशू में फर्क है, परचेजेस और यूज बराबर हो तो केस वन है, परचेजेस और यूज डिफरेंट है तो केस टू है, तो देखिए डिफरेंट है। 17 परचेज कर रहे हैं, इशू 16 कर रहे हैं, परचेज 35 कर रहे हैं, इशू 29 कर रहे हैं, तो इससे पता चला केस टू है। फिर आगे ए है कि बी है, वैल्यू डेट स्टैंडर्ड कॉस्ट है कि वैल्यू डेट एक्चुअल कॉस्ट है, तो एक्चुअल कॉस्ट है, तो ये सिनेरियो बी है, और इसमें प्राइस वेरिएंस भी AQ यूज्ड पे निकलता है, तो इसलिए प्राइस वेरिएंस AQ यूज्ड पे निकाला हुआ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस AQ यूज्ड पे निकाला हुआ है क्योंकि केस टू था और उसका सिनेरियो बी था, इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस वेरिएंस में, अच्छा ये पहले भी हमने एक सवाल बोर्ड पे किया था वो सीमा एंटरप्राइजेस वाला, अब अगर हमने फाइफो से एक्चुअल मटेरियल यूज की कॉस्ट निकालनी है, ये टेबल है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का सवाल है, कितने किलो यूज हुए, अब फाइफो पहले इनमें से हुए होंगे बाकी इसमें से हुए होंगे, तो 9 के ऊपर 150 वाला रेट और बाकी 7 पे 148 वाला रेट, ये AQ यूज आ गया X का। Z के लिए ये 29 इशू है। अच्छा देखिए इसमें ना अब आपको दो तरह के ओपनिंग स्टॉक दिए हुए, तो फिर रेट भी अलग अलग हो गया, ये 29 पहले ये थे,
फिर छः थे क्योंकि इनमें से दो वापस कर दिए, तो चार 120 वाले, छः 122 वाले, और कितने हो गए 10, बाकी रह गए 19 ये 125 वाले। ये एक यू यूज्ड की कॉस्ट, ये प्राइस वेरिएंस है। तकरीबन इसी की सामने रख के ही जो आज का होमवर्क दिया आपको ऑटम 21 क्वेश्चन 3, वो इसी को देख के लगता बनाया हुआ था। और ऐसा होता है कि सेम सवाल थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लेते हैं, तो इसके पास पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। जी मटेरियल प्राइस वेरियंस, जिन्होंने भी किया है मटेरियल प्राइस वेरियंस में कोई एतराज परेशानी है। मिक्स और यील्ड वेरियंस के लिए तीन कॉलम सिखाए थे आपको, ये वो तीन कॉलम बनाए हुए हैं। एससी कैसे बना, एसक्यू कैसे बनाते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू एक और दो, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,500 इंटू एक और दो, ये गिवन है, ये गिवन है 16 और 29, ये टोटल यहाँ लिखा और इस टोटल को उस रेशो में बांट दिया, और उसके बाद फिर ये मिक्स और यील्ड का फार्मूला लगाया। मटेरियल के वेरिएंसेस में बताइए कोई एतराज परेशान है। गर्मी गर्मी लग रही है, चल रहा है। हाँ जी मिक्स यील्ड प्राइस डन, वेरिएंसेस डन, लेबर रेट और एफिशिएंसी पूछे थे, लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाले हुए हैं, और ये आपको फिगर सारी गिवन है, एक्चुअल आर्ड्स ये नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअल आर्ड्स हैं, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट है, ये लेबर वेरिएंस। एसएच में कोई मुश्किल, फिर आपको ये देखिए मैंने पहले ना एक सवाल करा था बोर्ड पर, तभी आपको जुमला बताया था कि अंडर ओवर अप्लाइड को एनालाइज करें, और उस सवाल में टोटल ओवरहेड्स की बात की थी, इसमें सिर्फ तो अंडर ओवर अप्लाइड यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस, और उसको तोड़ना है किसमें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, एफिशिएंसी में और कैपेसिटी में, और फिर आपको बताया था कि इनका टोटल जरूर कर देना, ये कर दिया। और कोई सवाल इसमें से आपने पूछना है तो पूछें। ये कौन सा वाला बांट रहे पहले, नहीं पहले दूसरा बांटो जी। अगर आपने फिक्स्ड अप्लाइड निकालने हैं, 36 यूज करना है, तो 36 क्या है ये ओआर पर, तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन 15,500, ये यूज करना है तो मल्टीप्लाई बाय एसएच नॉट एएच, एसएच, तो ये यूज करना है तो इनटू एसएच कर लें, ये यूज करना है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन कर लें। ये अभी आप तक सोल्यूशन पहुंच रहा है एक कागज, ये ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 3, इसी से मिलता जुलता सवाल था, बल्कि दिखाई देता हूं, ये देखें एक्स और जी का अल्फा बीटा कर दिया, उसी पैटर्न का सवाल है। और उसमें भी आपको सेल्स बताई थी, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड बताए थे ताकि प्रोडक्शन निकालें, तो उससे मिलता जुलता ही सवाल है, ये होमवर्क है, और इसी अपने फॉर्मेट पे बना के आपको सॉल्यूशन पहुंचा रहा हूं, ठीक है जी, ये होमवर्क है। वेरिएंस एनालिसिस बस बहुत हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस खत्म, अगर है सामने कहीं ग्रिड तो दिखाइएगा। मैंने ना सिलेबस का ग्रिड बांटा था शुरू में, इसका स्टेटस देखते हैं। अच्छा आपको इन ये जो मेरी छुट्टियां हैं इसके लिए एक चैप्टर मैंने यूट्यूब पे रखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आखिरी ग्रिड में है, तकरीबन 10 लेक्चर इसके हैं। एक रखना है पहले ग्रिड में आ रहा है जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, एक लेक्चर है, और दूसरे ग्रिड में आ रहा है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ये भी एक लेक्चर है, 12 ये रखूंगा मैं यूट्यूब पे। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं यही आपके कोर्स में रखूंगा, और साथ में मेंशन कर दूंगा कि ये पिछले सेशन वाले हैं, ताकि जब वापस आऊं तो पहले तो मैं बाकी कोर्स पूरा कराऊंगा,
फिर जैसे पहले कहा था कि अगर वाकई अच्छा देखें, आपने ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने पूरी एफर्ट करनी है। आपने ये नहीं करना कि सर वापस आके तो पढ़ाई देंगे, मैं बेशक पढ़ा दूंगा लेकिन ज़रूरत हो तो पढ़ाऊँ ना, आप क्यों 15-16 अगस्त का कोर्स लेके जाएं ज़बरदस्ती। तो इसलिए आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है उन यूट्यूब वाले लेक्चर से, और आप जो ऑनलाइन वाले बच्चे ना इनके लिए यूट्यूब के लेक्चर नहीं होते हैं, ग्रुप में टेंशन मचाई होती है, आपके मैं कोर्स में ही रखवा दूंगा। 3 चैप्टर के नाम लिए मैंने, एक आखिरी ग्रेड में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अच्छा आप लोगों को कह रहा हूँ मुझे अगले 2-3 दिन में याद तसल्ली से कर लेना, जो मेरे इनके सोल्यूशन देने होते हैं वो दे के जाऊँ। अच्छा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, आके बेटा याद करा देना, वो जो जो कॉपीज देनी मैं दे जाऊँ, बल्कि कॉपीज क्यों करा के दें, वो दे दूंगा, शेयर कर लूँगा है। अच्छा भी अच्छा कॉपीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोला मैंने, एक आखिरी ग्रिड में है, एक मैंने जॉब कॉस्टिंग कहा है पहले ग्रिड में है, और एक कॉस्ट और इन प्रोडक्शन कहा है दूसरे ग्रिड में है। ये 3 चैप्टर आप सामने बैठे लोगों के लिए यूट्यूब से कवर हुए, आप लोगों के कोर्स में रखूंगा। बाकी अब इस वक्त ग्रिड 2 देखें तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम कर चुके, कॉस्ट इन प्रोडक्शन ये उस एक लेक्चर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम कर चुके, टारगेट कॉस्टिंग भी जो है ये एक लेक्चर का ही टॉपिक है। ये मैं देखता हूँ कि इसको मैं जाने से पहले छेड़ पाता हूँ कि नहीं, ये एक लेक्चर का टॉपिक है। ग्रिड 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम कर चुके, मार्जिन अब्सॉर्प्शन कर चुके, जॉब कॉस्टिंग मैंने कहा वो यूट्यूब का लेक्चर है, ओवरहेड्स हम कर चुके, लेबर हम कर चुके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस पे और टारगेट कॉस्टिंग इन दोनों के ऊपर मेरी कोशिश है कि इनमें से कोई एक जाने से पहले मैं अगर कर सकूं तो। अब रह गई बात आखिरी ग्रिड की, ये जो आखिरी ग्रिड है ये मुश्किल पोर्शन माना जाता है कॉस्ट का, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होने लगी है, डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के मामले में हम इतने कच्चे हैं कि अगर कपड़ा खरीदने भी गए हैं तो किसी साथ वाले को कहेंगे यार तू बता कौन सा लूँ। कभी कोई कपड़ा खरीदने गए हों बेशक, चाहे लंडे में क्यों ना गए हों, कोई दोस्त या साथ भाई होता है ना, तो किस लिए होता है साथ है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ये बेज मिल गया सबको। अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए एक तो हौसला चाहिए, हौसला मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, जिंदगी के किसी भी डिसीजन की बात कर रहा हूं, एक तो डिसीजन लेने का हौसला चाहिए, दूसरा ब्लाइंड डिसीजन तो तुक्के मार रही है। अगर आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में हैं किसी भी मामले में तो आप तभी सही डिसीजन ले सकेंगे जब आपके पास पूरा नॉलेज पूरा कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए ये पोर्शन मैं कॉस्ट के एंड पे ही करवाता हूं, उससे पहले नहीं हो सकता तो ये एंड पे ही होना बनता है। तो अब मैंने आखिरी ग्रिड को हिट करना है जिसमें एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो इन 12 दिनों में आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, और बाकी 3 हैं जो कि एक लिखा हुआ है नाम CVP, ये तो खैर आखिर है ना, ये तो आखिरी ही कराऊंगा, आखिर रहते तो आखिरी ही कराऊंगा, और एक रेलिवेंट कॉस्टिंग है ये इंशाल्लाह मैंने करा के जाना है, और एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग मैंने शुरू करना है, लेकिन नहीं आज नहीं, उससे पहले लेबर का एक पोर्शन छोड़ा हुआ था मैंने, वो करवाने लगा, चूंकि वो टेस्ट रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ मिक्स होके होता है इसलिए पहले कराता तो आप पूरा भूल चुके होते। तो लेबर चैप्टर पता नहीं क्या था 5, इस पे हम आ रहे हैं वापस, और उसका बकिया हिस्सा लर्निंग कर्व। ये पेज बांटा था अभी, ये अभी तक ना मिला हो किसी को, अभी एक पेज बांटा था किसी को नहीं मिला तो बताइए। ये ऑटम 21 क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन है, अब दूसरा चला दें, दूसरा भी चला दिए। एक सोल्यूशन और पहुंच रहा है आगे, वो पहले पहुंच जाए पे बताता हूं क्या करना है। लेबर कॉस्टिंग में से एक पोर्शन छोड़ा हुआ था पार्ट सी करके मैंने, ये वो है लर्निंग कर्व। लेबर के आप नोट्स देखेंगे ना तो वहां पर मैंने इसको छोड़ा हुआ था कि इसको हम बाद में करेंगे, वो अब बाद आ गई है। ये क्या हो गया, खराब है यार, फारिग ही खड़े हो, किसी को बुलाई लो, कागज दे दी।
अच्छा, जहां भी ह्यूमन वर्क इन्वॉल्व है और एक ही जैसे काम की रिपीटेशन है, इसको जिंदगी के किसी भी काम में लगा के देख लीजिए, अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें, या किसी शॉप पे किसी कारीगर को देखा उस पर अप्लाई करके देख लें कि, चलो रूटीन लाइफ की मिसाल देता हूँ, गोश्त बनाने वाला है। अब वो जो गोश्त बनाने वाला है कसाई है, आपने अगर गोश्त बनते देखा हो, तो वो जब पहली दफ़ा गोश्त बना रहा था और अब 15,000वीं दफ़ा गोश्त बना रहा होगा, तो स्पीड सेम होगी। और बल्कि छोटे होते जब दुकान पे गए ना, खड़े देखता था, मैंने कहता था इसका देखें अंगूठा कटता है कि नहीं कटता। अब वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, वो मत अटता भी ऐसे, क्या टाइमिंग होती है कि वो आते आते इसका हाथ अट जाता है, एक्सपर्ट है। तो ये सब कैसे हुआ? एक्सपीरियंस। और टाइम क्यों कम लगता रहा, हर बार टाइम क्यों कम होता जा रहा है? प्रैक्टिस है। तो जब सेम काम बार बार कर रहे होंगे, आपने अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला सवाल किया होगा और वैल्यूज बदल के वही बार बार फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस वन फॉर द मंथ ऑफ मे, तो हर गुजरते बार में अगर सुस्ती नहीं थी, तो अगर सुस्ती नहीं है तो टाइम इंप्रूव हो रहा था। ये लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी वर्कर्स ह्यूमन कोई एक काम रिपीटेटिव बेसिस पे करते जाएंगे, तो लर्निंग के इफेक्ट की वजह से हर नया यूनिट बनने में टाइम कम लगता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो टाइम लगते लगते कम होते होते माइनस में चला जाएगा। कम होगा, लेकिन उसके कम होने की स्पीड भी कम होती जाएगी। ये लर्निंग कर्व की एक थ्योरी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे नहीं टाइम नहीं मैं कहता जैसे जैसे उसका आउटपुट बढ़ेगा, और वो भी क्यूम्यूलेटिव आउटपुट। क्या मतलब क्यूम्यूलेटिव आउटपुट? एक वर्कर का टोटल आउटपुट, उसका पूरा ट्रैक, जैसे खिलाड़ी का होता है ना, अब तक 240 वनडे खेल चुका है, क्यूम्यूलेटिव। तो जैसे जैसे उस वर्कर का क्यूम्यूलेटिव काम बढ़ता जाएगा, उसका एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता जाएगा। इसको लर्निंग कर्व कहते हैं। ये कम होते होते कांस्टेंट भी हो जाएगा, तो नेगेटिव में थोड़ी चला जाएगा। ये लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट है के, जी जी कैसे ऐसे ऐसे कह रहे क्यों? मैं तो ये भी काम ही हुआ। असल में ना शुरू में ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट आती है, हर अगला यूनिट बनाने में शुरू में फौरन इंप्रूवमेंट आएगी, फिर वो इंप्रूवमेंट आस्ता आस्ता स्लो होती जाएगी। तो फौरन स्टीप हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे जैसे वर्कर रिपीटेटिव बेसिस पे सेम काम करता जा रहा होगा, सेम यूनिट बनाए चले जा रहा होगा, तो उसका हर बार यूनिट बनाने में टाइम पहले से कम हो रहा होगा। ये किसी साइंसदान ने थ्योरी दे दी। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या भला हुआ? उसने एक फार्मूला बनाया इस सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करके, हुआ होगा उसने किसी वर्कर का सारा डाटा ऑब्जर्व किया होगा, उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। मैं आपको वो पैटर्न बताने लगा हूं, उससे इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद एक एंड फार्मूला बनाया इसने, वो यूज करना है हमने। और कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि फार्मूले के बगैर हमें अकलमंदी से भी सवाल सॉल्व करना पड़ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। अभी वाला पेज आ गया एक, अभी एक और पेज चला होगा, और वो है स्प्रिंग 19 क्वेश्चन 5 का आंसर। ये देखिए मिल गया सबको, दोनों सेम कॉपीज हुई थी, तो एक बच गया, दूसरा नहीं बचा, क्यों? अच्छा, ये जो दूसरा सवाल दिया है ये आज का होमवर्क नहीं है, आज का होमवर्क ऑटम 21 ही है। पहले ऑटम 21 कराइए आप, कल फिर ये वाला होमवर्क दूंगा। इस थ्योरी से जो भी एक्सपर्ट है, जिसने भी हरकतें की हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक टेबल बना रहा हूं। कोई दो चार नेक लोग मुझे कैलकुलेशंस करके बता देना। एक मैंने लिखा है क्यूम्युलेटिव आउटपुट टू डेट, एक लिखा है टोटल क्यूम्युलेटिव टाइम टू डेट,
और एक लिखा है एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, और ये होंगे यूनिट्स, ये होंगे आर्स, और ये होगा है, ये क्या होगा, ये मैं एक टेबल एक मिसाल बना रहा हूं, ऐसी खुद से फिगर दे रहा हूं, और फिर इससे इस थ्योरी का जो कंक्लूजन है वो बताऊंगा, फिर उसका फार्मूला लिख दूंगा। जिस तरह किसी खिलाड़ी का एक पूरा ट्रैक होता है ना कि उसने कितने मैच खेले, पहले मैच में कितना स्कोर किया, फिर उसका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा था। अच्छा आई अज्यूम कि आप सारी क्रिकेट के चीते हैं, नहीं है स्ट्राइक रेट, नहीं रन रेट, चलो ठीक है नहीं बता आपको, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताता क्रिकेट, मैं मिसाल बदलूंगा, मैं बता दूंगा, जिनको ना पता हो मैं उनको फिर समझा दूंगा। जिस तरह खिलाड़ी का एक पूरा ट्रैक चल रहा है कि जब पहले मैच उसने खेलना शुरू किया तो उसका पूरा रिकॉर्ड बनना शुरू हो गया होगा कि कितने मैचेस खेल चुका था, कितने अब तक टोटल स्कोर कर चुका था, और अज्यूमिंग के हर इनिंग में आउट हो रहा था, अज्यूमिंग के हर इनिंग में आउट हो रहा था, तो रन रेट उसका कैसे निकलेगा, रन रेट नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसको, एवरेज टोटल स्कोर, अज्यूमिंग के हर मैच में आउट हुआ है, डिवाइड बाय मैचेस। तो एक वर्कर जब उसने जिंदगी में पहला यूनिट बनाया होगा तो मैं कह रहा हूं कि उसने इस काम में लगाए 40 घंटे। जब वो एक यूनिट बना चुका हुआ था, टोटल 40 घंटे लगा चुका हुआ था, इस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस पर यूनिट कितना टाइम ले रहा था, 40। ये मैंने इस वक्त क्या लिखा है, देखिए क्या समझ, बेहतर क्या है, दूसरा यूनिट उसने 72 घंटे में बनाया। अच्छा एक और सवाल, दूसरा यूनिट 36 घंटे में बनाया। जब उसने पहला यूनिट बनाया था तो 40 घंटे में बनाया था, और चूंकि बनाया ही एक था तो उस वक्त तक उसका एवरेज टाइम क्या चल रहा था, 40। जब वो दो बना चुका था, दूसरा नहीं कह रहा, जब वो दो बना चुका था तो उसके टोटल 72 घंटे लग चुके थे। अच्छा दूसरा कितनी देर में बना था, यहीं से पता चलेगा, 32। जब क्यूम्युलेटिव, मैंने ये सेकंड नहीं लिखा है, ये टू है क्यूम्युलेटिव, जब वो दो यूनिट्स बना चुका था तो उसका टोटल टाइम, आप पेपर में एक सवाल किए 15 मिनट में, दूसरा सवाल 10 मिनट में, दो सवालों में कितना टाइम लगा चुके हैं, 25 मिनट। तो दो यूनिट बना चुका था तो इतना टाइम ले चुका था, दूसरे यूनिट में कितना टाइम लिया है, 32 ना, ये नहीं है, ये है 32। लेकिन अब इस वक्त अपडेटेड एवरेज क्या है उसका, कि अगर उसने 72 घंटे में दो बनाए हैं तो एक कितने में बनाया, दिस डिवाइडेड बाय 2। छत्तीस को 0.9 करिए, 36 को 0.9, 32 पॉइंट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 9.6। जब वो टोटल 4 यूनिट बना चुका था तो इन 4 यूनिट पे टोटल टाइम उतना लगा चुका हुआ था, चौथे यूनिट पे 129 नहीं लगे हैं, जब उसका टोटल प्रोडक्शन का स्कोर 4 यूनिट हो चुका था तो उसका टोटल टाइम इतना हो चुका हुआ था। अब अपडेटेड एवरेज कितना है, कैसे निकाले, 129 डिवाइड बाय 4। इस लाइन की क्या इंटरप्रिटेशन है, कि जब वो टोटल 8 यूनिट्स बना चुका हुआ है, पहले से टाइम गिनते हुए टोटल इतना टाइम ले चुका हुआ वो, और अब अपडेटेड एवरेज कितना है, कैसे निकला, दिस डिवाइडेड बाय 8। यहां तक ठीक है, इसको 0.9 करिएगा, 26.16 करिए,
419.9, ठीक। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि जब वो टोटल 16 यूनिट्स बना चुका था तो उन 16 यूनिट्स में टोटल टाइम वो 419 घंटे लगा चुका था। ये 40 इसमें शामिल है या उसके अलावा है? शामिल है ना, क्यूम्युलेटिव चल रहा है, क्यूम्युलेटिव। तो अब उसके 16 यूनिट्स बनाने के बाद अब अपडेटेड एवरेज क्या है, कैसे निकला? तो अगर जो लोग क्रिकेट समझते हैं, जब एक ओवर हुआ तो इतना स्कोर था, रन रेट कितना, इतना ही। जब दो ओवर हो चुके थे इतना स्कोर हो चुका था, तो रन रेट ये हो गया था। इस रन रेट का मतलब है कि दूसरे ओवर में इतना स्कोर पड़ा, दो ओवर तक अब एवरेज है। तो जैसे रन रेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये वो। यहां तक बात समझ आई तो आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, यहां तक सारे ओके है? जिसने भी ये सारी मेहनत की होगी, जिसने भी थ्योरी बनाई है, उसने इस डेटा को ऑब्जर्व किया और उसने ऑब्जर्व ये किया कि इस में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े होकर देखें तो जो उसका एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट है, अगर उससे वो लाइन देखते जो इसकी आधी थी, इसकी आधी क्या थी, 4, तो ये इस लाइन में लिखे हुए का कितने परसेंट है, देखिए ये इसका कितने परसेंट है, खुद ही हमने कैलकुलेट करके दिया था मुझे 90%। मैंने चूंकि लिखी सामने ये लाइनें हुई हैं, इसलिए मैं इन्हीं में से बता रहा हूं। जब उसको 4 में ये फिगर नजर आई और उसने अब अगली फिगर इससे पिछली 4 का आधा 2 में देखा, तो उसको ये नजर आया कि इसमें लिखा हुआ नंबर यहां लिखे हुए नंबर का 90%। इसी तरह ये 16 वाली फिगर जो यहां लिखी नजर आ रही है, इससे हाफ क्या था, 1। यहां लिखी हुई फिगर का ये 90 वाली बात समझ देखिए। इसी तरह अगर मैं 6 वाली लाइन की ये फिगर देखता तो वो किस लाइन का 90% होती, 3 में लिखी हुई यहां एवरेज फिगर का। अगर मैं इधर 14 वाली लाइन देखता तो वो कमाल हो गया यार, जबरदस्त। और अगर 10 में लिखा हुआ देखता, आज कैसे कर रहे हैं ये, वाह। इससे एक पैटर्न ये समझ आया उसने, जिसने भी मेहनत की होगी, कि वेन एवर आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज। क्या वो हमेशा 90 होगी? नहीं, कोई एक कांस्टेंट परसेंटेज होगी। इस 90 को, जो कि इस मिसाल में 90 है, कोई भी हो सकता है, इस 90 को उसने नाम दिया ये लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट, अगर किसी वर्कर का लर्निंग रेट 80% होगा तो ये इसका 80% रह गया होगा, ये इसका 80% रह गया होगा। जो 12 में लिखा होगा वो 6 पे लिखे वाले का 80% रह गया होगा, ये इसने ऑब्जर्व किया होगा। तो लर्निंग कर्व की थ्योरी ये है अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कहा था, वो उसका लेक्चर रजिस्टर रह गया था पिछली क्लास में किसी ब्लैक कलर का, तो आप में से अगर किसी को मिला हो जुमे वाले दिन, इधर जी, वो ठहर जाए यार तू, यहाँ इधर इस साइड पे कहीं ब्लैक रजिस्टर मिला हो किसी को। हाँ जी, अच्छा ठीक जी, बोलिए। नुकसान क्यों हो रहा है भाई? नहीं, रेट नहीं है, जितना वो टाइम ये सारी कॉम जेलस है आपके टैलेंट से, आप पूछा
पता नहीं पूछ बात क्या हो रही थी, ये रुपए नहीं है, ये उसको एक यूनिट पे जो टाइम लगता था वो इंप्रूव होता जा रहा है, तो नुकसान में नहीं रहेगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगा। थ्योरी ये है कि एवरेज क्यूम्यूलेटिव टाइम पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड। ये थ्योरी है, हम कौन है स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स में बताता हूं क्या करना, ये तो मैंने आपको बताया कौन सा बनाया कैसे। ये सारी मेहनत करने के बाद इसने एक फार्मूला बनाया y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, और इस फार्मूले में y से मुराद है एवरेज क्यूम्युलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स, a का मतलब है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, बल्कि फर्स्ट एवर कह लें तो ज्यादा अच्छी बात है, और b का मतलब है आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होगा एल ओ जी के नाम से, एक एल एन होता है वो नेचुरल लॉग होता है, वो नहीं एल ओ जी, एल ओ जी आप लगाएंगे तो उसके साथ एक ब्रैकेट ओपन हुआ नजर आएगा आपको, उसमें आपने इस सवाल में मौजूद लर्निंग रेट लिखना होगा जो कि दिया होगा, इस मिसाल में कितना था 90%, अच्छा आप 90% नहीं लिखेंगे, 0.9 लिखेंगे, उसको फिर आप डिवाइड करेंगे और फिर से एल ओ जी दबाएंगे फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर आपने 2 लिख के ब्रैकेट बंद कर देना है जी, वो डबल था ना, तब ये थ्योरी डबल है ना, तो ये 2। अच्छा अब इस फार्मूले का फायदा क्या हुआ, पहले तो जो इस वक्त सामने लिखा उसका रिजल्ट बताता हूं, y इनमें से क्या है जी, ये आखिरी कॉलम, अगर मैं इस फार्मूले से ये 36 कैलकुलेट करना चाहूं तो 36 कितने यूनिट्स बना लेने के बाद है, दो, तो x में क्या आ जाएगा 2, a क्या है इस मिसाल में क्या है a 40, तो 40 इंटू 2 पावर में log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, और करिए सॉल्व क्या आंसर आता है, है जी log 2 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, और बेहतर ये है कि चूंकि पावर में राउंडिंग ऑफ का फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो आप पहले b को सॉल्व कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली b सवाल में गिवन ही हो सकता है, लेकिन फिर भी पहले b को सॉल्व करना और जो आंसर आए 3 डेसिमल बहुत हैं। बी सॉल्व करिए क्या आता है, पहले बी सॉल्व करिए, वैल्यू 90% डिवाइड बाय लॉग 2, सिर्फ बी कह रहा हूं -0.152, 3 डेसिमल कर लें -0.152, बस अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है, यहां क्या रखेंगे 40, अगर यहां 2 रखेंगे तो वाई का आंसर 36 आ जाना है, अगर 16 रख लेंगे तो, अगर x की जगह 16 रख लेंगे तो 26.24 आ जाना है, कर लें 4 वैल्यूज आपके सामने, कोई भी ट्राई करके देख लें, सारी वैल्यूज ट्राई करके देख लें ताकि आपको फार्मूला लगाना आए, बस ये आ गया ना, ये -0.152 आ गया, अब ये b है, अब आप ये फार्मूला लगाइए, जिनको नहीं समझ आ रही क्या करना है मैं दोबारा बताता हूं, ये ग्रीन वाला बताता हूं, ग्रीन वाला अगर मैं ग्रीन वाला वाई निकालना चाह रहा हूं तो ए कितना 40, एक्स कितना 16 की पावर 0.152, इसको सॉल्व करेंगे क्या जी, इस तरह हम किसी भी पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हैं,
उसने ये फार्मूला बनाया, और ये फार्मूला इसलिए बनाया कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जान सकते हैं कि वो जो फलाना यूनिट होगा वो कितनी देर में बनेगा, और इसका इस्तेमाल क्या होगा, यही प्रैक्टिस कराता हूं अभी। जी बी एक्स की पावर है, बी सिर्फ एक्स की पावर है, ए एक्स के मल्टीपल की पावर नहीं है, बी सिर्फ एक्स की पावर है। क्या बी कैलकुलेट कैसे करना है? इस सवाल में लर्निंग रेट क्या रखा है मैंने, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर एलओजी लिखे, ब्रैकेट खुल गया, 0.9 रख दें, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय, फिर एलओजी दबाएं, फिर ब्रैकेट खुल गया, 2 लिखें, ब्रैकेट बंद। ये 2 इस साइंसदान ने बनाया, 2 ये 2 इस फार्मूले का हिस्सा है, 2 ये 2 ही रहना है, ये 2 नहीं चेंज होना, ये 2 रहना है। लर्निंग रेट डिपेंड करता है वर्कर की परफॉर्मेंस पे। नहीं, लर्निंग रेट 90% को, कि ये उसका इतने परसेंट रह जाएगा, लर्निंग रेट 90 को कहेंगे, 10 को नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन डन। चलिए अब सवाल ही सवाल करते हैं, लिखें सवाल, ये कर ले, नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर सवाल ही सवाल है, खत्म हो गई बात इसकी, सवाल ही सवालों में वैरायटियां 50 दिखा देनी है, नहीं 50 तो नहीं, वो 2 ही रहेगा, और आपने पहले 20 सॉल्व करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसको बस 3 डेसिमल तक रख लें, बहुत है, उसको फिर उस y इज इक्वल टू ए एक्स पावर बी में इस्तेमाल करिएगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। राउंडिंग ऑफ का फर्क इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा, और वैसे तो कोई मसला नहीं है राउंडिंग ऑफ का फर्क, लेकिन बेहतर है कि आप 3 डेसिमल तक रखें। हाँ जी, नोटेड तो सवाल लिखें, ठीक है, बताऊं टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 30 घंटे, लर्निंग रेट है जी, दोबारा सुन लें, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 30 घंटे 30, लर्निंग रेट 85%, रिक्वायर्ड है आपसे एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ, रिक्वायर्ड है एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट्स। तो यार इसीलिए समझा रहा हूँ, आप नहीं बात आना, जिद कर, नहीं आपने गलती की होगी शरीर किस्म की, इतना फर्क नहीं आएगा, इतनी भी नहीं बात। हाँ जी, कितना आ गया बी, कितना आया 11.1। ये जो y निकले ना, ये भी 2 डेसिमल तक जरूर लेके जाइएगा, हो सकता है किसी सवाल में हमें 4 पॉइंट तक भी ले जाना पड़े, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा हो, तो 2 तक तो कम से कम लेके जाइएगा, इसको 3-4 तक भी जा सकता है। 11.1 ये b जिससे सॉल्व नहीं हुआ, b ऐसे निकलेगा कि आप कैलकुलेटर पे लॉग के साथ लिखेंगे 0.85, फिर उसको 2 लॉग से डिवाइड,
हाँ जी, और लिखें सवाल। टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट 50 घंटे, लर्निंग रेट 95%, लर्निंग रेट 95% रिक्वायर्ड है आपसे। टोटल टोटल टाइम टेकन, टोटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, टोटल टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 80 यूनिट्स, पहले मैं आपसे ये पूछ रहा था, अब मैं ये पूछ रहा हूं, जब टोटल 80 यूनिट्स बना चुके होंगे तो टोटल कितना टाइम लग चुका होगा, ये पूछा है। हाँ जी, डन। हाँ जी बताएं, वाई में क्या कर रखो, 50 × 80 ⁻⁰⁰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 
पॉइंट, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा हुआ, मैंने पूछा है टोटल टाइम फॉर 80 यूनिट्स, तो अगर पर यूनिट इतना है तो 36.15 into 80 289 2.2. अच्छा, क्या ये 80वां यूनिट बनाने में इतना टाइम लगा है? नहीं, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी क्रिटिकल बात है, ये 80th यूनिट बनाने का नहीं है टाइम, ये 80 बन जाने के बाद अब रन रेट कितना है ये वो है। क्या जी? क्या एवरेज नहीं है रियल टाइम? 289 की बात कर रहे हैं? नहीं, टोटल चीज तो टोटल होती है ना, एवरेज थोड़ी होती है। ये सेकंड कॉलम था। अच्छा, ये सामने ही से पूछ रहा हूं, अगर दूसरे यूनिट में कितना टाइम लगा ये जानना हो तो, दूसरे यूनिट में इससे पूछ रहा हूं, दूसरे यूनिट में इसमें से ये माइनस करूं या दोनों के एवरेज एवरेज से माइनस करूं? टोटल, ठीक है, लिखें सवाल। अच्छा, इसको जज्बात से नहीं करिएगा, होश से करिएगा। ये हिंट मैं आपको दे दूं, ये क्या है? फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट, और फर्स्ट हमेशा जब भी गिनेंगे हमेशा फर्स्ट शुरू से ही होगा। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 45 आवर्स, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 45 आवर्स, 45 घंटे। लर्निंग रेट 90%, 90%।
बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2022, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2022, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2022 75 यूनिट्स, 75 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन अप टिल, टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31 दिसंबर 21, वन ट्वेंटी यूनिट्स यानी 31 दिसंबर 21 तक 120 यूनिट्स बना चुके हुए हैं टोटल। 2022 में 75 और बनाने का इरादा है। आपसे रिक्वायर्ड है, जरा सोच समझ के होश से करिएगा, टोटल बजटेड आवर्स फॉर 2022 क्या पूछा है? ये क्या चीज पूछी है? वो जो 2022 में 75 यूनिट्स बनाने हैं, वो 75 कितने टोटल टाइम में बनेंगे? इस फॉर्मूले में ए क्या है? नहीं, 45 तो है, क्या चीज है ए? तो आप जब भी फॉर्मूला लगाएंगे वो हमेशा ए से गिनना शुरू करेगा। चलें करिए, मैंने पूछा है कि वो जो 75 यूनिट्स 2022 में बनने, थोड़ी अकल लगाइए ना, मैं तो कर ही दूंगा यार बोर्ड पे, आपको कहा है तो ट्राई तो करें सारे। वो जो 75 यूनिट्स बनाने हैं उन पे टोटल कितना टाइम लगेगा? चले देखता हूं, हाँ जी, हाँ जी, एफर्ट डन या बस सोचते ही रहेंगे? डन। इसकी एक मिसाल बताता हूं मैं, ये बोर्ड पे उसकी मिसाल अच्छी बनती है तो मैं बोर्ड से ही बताता हूँ। अगर कभी किसी क्लिनिक पे या वैसे कहीं आपने अपनी हाइट नापी हो तो उसके लिए एक स्केल होता है कि उस पर खड़े हो जाएं, और एक पूरा स्केल है तो वो एक स्लाइडर होता है, वो आप स्केल पे स्लाइड करके यहाँ रख लेंगे और स्केल के ऊपर आपकी हाइट आ जाएगी। अब जब एक, अब जैसे अगर ये मैंने हाइट नापनी है, ये जमीन पर खड़ा हूँ, ये पूरा स्केल है, स्लाइडर ला के मैंने यहाँ रोकना है, वो गिनती कहाँ से शुरू कर रहा है? कहाँ है जीरो? ऊपर है, नीचे? नीचे। अब अगर यहाँ नीचे, इधर
वो स्केल फिक्स है और उससे इस बोर्ड की हाइट नापनी है एंड टोटल, तो वहां से लेके वो यहां तक हाइट नाप देगा। लेकिन अगर बोर्ड की चौड़ाई नापनी है तो वो बोर्ड की चौड़ाई डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो गिनना शुरू ही कहां से करेगा? जमीन से। यहां फिक्स है नीचे, यहां फिक्स है, वो यहीं से गिनना शुरू करेगा। अब जब यहां से गिनना शुरू करेगा और हम इसकी चौड़ाई जानना चाहते हैं तो क्या करें? पहले नीचे से लेके यहां तक गिन लें, फिर नीचे से लेके यहां तक गिन लें और इनका डिफरेंस ले लें। तो ये फार्मूला हमें हमेशा टाइम गिन के देगा पहले यूनिट से शुरू करके, क्योंकि फार्मूले में ए आ रहा है। तो जब भी ये टाइम कैलकुलेट करके देगा ये हमेशा पहले से गिनना शुरू करेगा। जैसे मैंने पूछा आपसे क्या है किन यूनिट्स का टोटल टाइम, 75। अगर आपने फार्मूले में 75 रख दिया तो वो पहले 75 यूनिट्स का टाइम दे देगा, जबकि हमें पहले 75 का टाइम नहीं चाहिए। 120 तक तो बन चुके हुए हैं, हमें इनसे ऊपर वाले 75 का टाइम चाहिए। तो चूंकि ये फार्मूला हमेशा पहले से गिनना शुरू करेगा तो आपको एक बार 120x रखना पड़ेगा और एक बार आपको 195x रखना पड़ेगा। इसका टोटल निकलेगा, इसका टोटल निकलेगा, फिर उनके डिफरेंस है इन 75 का टाइम निकलेगा। किसी का हुआ ये ठीक? चलो शाबाश। हैं किधर है, कौन है, कहां है, पूछा है कुछ? तो हम एक बार 120 रख लेते हैं। ए क्या है? 45। 120 पावर पॉइंट 152 7। अच्छा मैं जो सामने फिगर लिखूं ना मुझे उसका आंसर 74 ठीक है ना, 74। अब ये 120 यूनिट्स का टोटल कितना, 21.74 इनटू 120, इसी को सॉल्व करके बताइएगा। 2609 कैलकुलेटर पे ये लिखें, इनटू 120 लिखें, फिर इक्वल दबा दें। 2608.8 ये टोटल टाइम है पहले 120 यूनिट्स का। अगर आपने इसमें 75 रख दिया तो वो इसका टाइम नहीं बताएगा, वो पहले 75 का टाइम बताएगा, क्योंकि गिनना शुरू ही हमेशा वो पहले से करेगा। तो अब हमें इसको एक बार x 195 रख के चलना पड़ेगा। 45 इंटू 195 माइनस 0.152 21 टोटल टाइम फॉर 195 यूनिट्स 20.19 इंटू 195 37.05। अब हमें इन दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा कि ये जो दरमियान वाले 75 है ये कितने में बनेंगे। 1.282 ये हैं फॉर बजटेड प्रोडक्शन। क्या जी? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ए है ही पहले यूनिट का टाइम। हम अपनी मर्जी से ये कहीं से शुरू नहीं कर सकते, ये फार्मूला हमेशा पहले यूनिट से शुरू करके देगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर ए है ना। ये फार्मूला डिजाइन ही ए की बुनियाद पे है कि पहले यूनिट पे कितना टाइम, क्योंकि हर बार सेम फासला नहीं हो रहा, फासला चेंज हो रहा है। पहले दो यूनिट के बाद इंप्रूवमेंट आ गई, आगे 10 यूनिट के बाद आएगी, 50 यूनिट के बाद आएगी, तो फासला चेंज होता जा रहा है। तो हम किसी भी पॉइंट पर रख के नहीं चला सकते उसको, ये फार्मूला हमेशा ए से ही खींच के लाना पड़ेगा। जी क्या कॉन्स्टेंट नहीं होगा? अगली क्लास में हो जाएगा। सवाल लिखे और इसको नोट कर लें और सवाल लिखे।
नोटेड। चले और सवाल। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। फिफ्टी आवर्स, 50 घंटे। लर्निंग रेट, लर्निंग रेट 95%। लर्निंग रेट 95%। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन अप टिल, December 31 टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31 December 21 150 units। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2022, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2022 60 units। बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड मटेरियल कॉस्ट 850 रुपए पर यूनिट, ₹850 per unit। बजटेड लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट 150 per hour, 150 रुपए per hour। और बजटेड FOH, बजटेड FOH 30 रुपए, ₹30 per hour। रिक्वायर्ड है आपसे, जी जी आपसे, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2022, जी बजटेड COGM यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट FOH, बजटेड COGM फॉर 2022। ये जो 2022 में हमने बनाने हैं कितने, 60 units, तो ये टोटल कितने रुपए में बनेंगे? चले ठीक है, ये अगली क्लास में कर चुके हैं वहां, नहीं कल, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।